नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्तर के लिए और जिला स्तर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएँ रखते हैं, उन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक 5 जनवरी 2021 से एक्टिवेट होगा। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया है, 5 जनवरी 2021 इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अभ्यर्थी 19 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक इसमें ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें मैनेजर अकाउंट के कुल 1 पद पर भर्ती होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 45,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए चार्टर अकाउंटेंट CA और नॉलेज ऑफ टेली और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, या फिर अन्य कोई योग्यताएं जो यहाँ पर दी गई हैं जिनमें से कोई एक योग्यता आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें CMA प्लस नॉलेज ऑफ टेली 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, या फिर आपके पास MBA होना ज़रूरी है और टेली का ज्ञान और 2 साल का अनुभव यहाँ पर होना ज़रूरी है, या फिर MCOM रेगुलर मोड में 60% के साथ में आपको पास होना ज़रूरी है और टेली आपके पास होना ज़रूरी है और 2 साल के कार्य करने का अनुभव होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास होना ज़रूरी है। कंसल्टेंट फाइनेंस कम एडमिन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 45,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता पहले बताए गए पद के अनुसार ही मांगी गई है। यहाँ पर कंसल्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें मेटरनल हेल्थ के लिए 1, चाइल्ड हेल्थ के लिए 1, RBSK के लिए 1 और RI के लिए 1 पद पर कंसल्टेंट की भर्तियाँ की जाएंगी। इन सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 45,000 रुपये का वेतनमान प्रत्येक माह दिया जाएगा। इन सभी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH या फिर MBA हेल्थ में उपाधि मांगी गई है और वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का यहां पर मांगा गया है। साथ ही साथ में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर MS ऑफिस का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। प्रोग्राम एसोसिएट IEC BCC के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 34,000 रुपये का वेतनमान एकमुश्त प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन रेगुलर मोड में होना जरूरी है और 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी यहां पर मांगा गया है, या फिर अभ्यर्थियों के पास बेचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन रेगुलर मोड में और 2 साल का अनुभव मांगा गया है। अकाउंटेंट के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 21,300 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MCOM या MBA रेगुलर मोड में और 1 साल का कार्य करने का अनुभव यहां पर मांगा गया है। साथ ही साथ में टेली का ज्ञान मांगा गया है, या फिर BCOM रेगुलर मोड में और 2 साल के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। इस प्रकार से राज्य स्तर पर कुल मिलाकर के 13 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जहाँ पर पदों की आवश्यकता है उन वहाँ पर इनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। जिला स्तर पर भी भर्तियों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए कुल 2 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 45,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MPH रेगुलर मोड में और 2 साल के कार्य करने का अनुभव, या फिर MHA हेल्थ में और रेगुलर 2 साल के कार्य करने का अनुभव मांगा गया है, या फिर MBA हेल्थ केयर में और 2 साल के कार्य करने का अनुभव यहां पर मांगा गया है। डिविजनल कंसल्टेंट के कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मांगा गया है और 2 साल के कार्य करने का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी यहाँ पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए MBA फाइनेंस में रेगुलर मोड में 2 साल के अनुभव भी यहां पर मांगा गया है, MCOM रेगुलर या फिर 2 साल के कार्य करने का अनुभव यहां पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा के कुल 2 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए MSc स्टैटिक्स में
और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है या फिर एम टेक कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें से कोई भी एक विषय में होना चाहिए या फिर एम ई या फिर बी कंप्यूटर साइंस में होना जरूरी है और 2 साल के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग HR के कुल 3 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए MBA HR में और 2 वर्षीय कार्यक्रम का अनुभव आपके पास में जो है 2 साल के कार्य करने का अनुभव भी होना जरूरी है। साथ ही साथ में 1 साल कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल के कुल 2 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर में आपके पास होना जरूरी है और 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के कुल 9 पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी मांगी गई है यानी आपको जो है जूलॉजी में स्नातकोत्तर होना जरूरी है या फिर लाइफ साइंस में आपको MSc आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में कार्य करने का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NLPP के अंतर्गत में भी 9 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर में आपको होना जरूरी है और 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी आपके पास होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट RM NCH+A के कुल 26 पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट में होना जरूरी है और साथ ही साथ में 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी यहां पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NCD के कुल 7 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर मोड में होना जरूरी है और 1 साल के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक्स के कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को भी 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए MBA फाइनेंस में रेगुलर मोड में होना जरूरी है या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में रेगुलर मोड में होना जरूरी है और 2 साल के कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है या फिर अभ्यर्थियों को MCOM रेगुलर मोड में पास होना जरूरी है और 2 साल का अनुभव उनके पास होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एपिडेमोलॉजिस्ट के कुल 8 पद पर भर्ती की जाएगी जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ में और हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर मोड में होना जरूरी है और 1 साल के कार्य करने का अनुभव अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी चयनित अभ्यर्थी को 30,000 रुपये प्रत्येक माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BTEC या फिर BE इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्थान से और 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लिए 81 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के संबंध में विस्तृत निर्देश यहां पर आपको दिया गया है। अभ्यर्थी को वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ही अपना ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही करना है। इसके अलावा अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहां पर दी जाएगी। इन पदों पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे नागरिक भी आवेदन कर पाएंगे जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएँ रखते हैं। केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और अन्य राज्य के निवासी जो इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजेंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया छत्तीसगढ़ शासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में जारी किए गए इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इस विज्ञापन का PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ में वेबसाइट का लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होता है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।